हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके क्लासिक्स मैथमेटिक्स के जो आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, प्लेइंग विद नंबर्स, ठीक है, उसमें आज हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा है, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6 और 7, यानी 6 नंबर से बताना है बिना भाग दिए हुए। बिना भाग दिए आपको ये पता करना है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। डिविजिबल का मतलब है रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है, ये हमें पता करना है। इसी तरह हमें 7 से भी पता करना बिना भाग दिया कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है, ताकि हमें इतना लंबा भाग का प्रोसेस ना करना पड़े, डिवाइड का प्रोसेस ना करना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा किसके बारे में, 6 के बारे में। 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने का आपको रूल बताता हूं। क्या रूल है, अगर कोई नंबर 3 से भी डिवाइड हो और 2 से भी डिवाइड हो, अगर कोई भी नंबर जिसको पता करना है कि डिविजिबल है या नहीं है 6 से, तो अगर वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा हो और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो समझ जाना कि वो नंबर पक्का 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 6 से भी डिवाइड होगा। लेकिन अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है 2 से नहीं हो रहा है, या 2 से डिवाइड हो रहा है 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। 6 से डिवाइड होने की बस एक ही शर्त है कि वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर 1 से हो रहा है 1 से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है 3 और 2 से, इसका मतलब वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर दो नंबरों के माध्यम से इसको समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या दिया है, 2 दिया है। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल क्या बताता है, यूनिट प्लेस चेक करो। तो यूनिट प्लेस में क्या है, 2 है, 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है, 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल है। अब हमें क्या करना है, 3 से चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए रूल बताया था मैंने, सारे डिजिट को जोड़ लो। तो मैंने इसको जोड़ा, 3, 4, 7, 7 और 3, 10 और 10 और 2 क्या है, 12 है। अब 12 जो होता है वो 3 से डिवाइड होता है ना, 3, 4, 12, तो इसका मतलब ये डिविजिबल है, डिविजिबल है किससे, 3 से डिविजिबल है। तो जब ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 6, यानी ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। समझ में? इसी तरह इस सवाल को देखते हैं, यहां पर क्या है, यूनिट प्लेस में 6 है, इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अब यहां पर अब चेक करते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है, तो मैंने इसको जोड़ा, 3, 4, 7, 7, 3, 10 और 10 और 6, 16, तो 16 को 6 से डिवाइड करो तो 3 के टेबल में जो है 16 नहीं आता है, इसका मतलब नॉट डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी ये 2 से तो हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नॉट डिविजिबल बाय 6, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। आई होप आप लोगों ने 6 का रूल अच्छे से समझ लिया होगा कि 6 से डिवाइड होने की बस एक ही कंडीशन है कि वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। और 2 से डिवाइड करने का रूल पता ही है, पहले वीडियो में बताया था, 3 से भी डिवाइड करने का रूल बताया था पिछले वीडियो में कि 2 से तब डिवाइड होता है जब यूनिट पे 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 अंक होते हैं तो 2 से डिविजिबल होता है। और 3 से बताया था कि अगर कोई भी नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 से, तो आप उसके सभी अंकों को जोड़ लीजिए और 3 से डिवाइड कीजिए उस सम को, अगर वो डिवाइड हो जाए तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हम डिविजिबिलिटी बाय 6 समझ गए अच्छे से। अब हम देखेंगे 7 से कैसे डिविजिबिलिटी होती है, कैसे पता करते हैं कि कोई नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक नंबर ले लिया 343, ठीक है, और मुझे बताना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसका रूल क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हमेशा फॉलो करना, क्या फॉलो करना, रिमेनिंग रिमेनिंग डिजिट्स
डिजिट्स माइनस यूनिट डिजिट इनटू टू। ये रूल याद कर लो सेवन के लिए कि जो भी यूनिट डिजिट होगा उसका डबल कर देना, और उस डबल किए हुए यूनिट डिजिट को क्या करना, बाकी बचे जो डिजिट्स होंगे उससे माइनस कर देना। ठीक है, जैसे इसका यूनिट डिजिट कौन है, थ्री, तो थ्री का मैंने डबल कर दिया और इसको माइनस कर दिया, किससे, बचे हुए, बचा कौन है, 34, 34 से माइनस कर दिया। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, 34 माइनस 6। अब इसको घटा दो, 34 में से 6 गया कितना बचा, 28। अब मैंने क्या किया, इस 28 को डिविजिबल किया 7 से, तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है 4, इसका मतलब 343 इज डिविजिबल बाय 7, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल होगा। तो ये रूल याद कर लीजिए कि रिमेनिंग डिजिट्स माइनस यूनिट डिजिट इनटू 2, अगर ये रूल याद रहेगा, यानी बस आपको लास्ट डिजिट को डबल करना है, बाकी बचे डिजिट को जो है क्या करना है, माइनस कर देना है। एक चीज और, अभी तो ये 3 अंकों का नंबर था, मान लीजिए 4 अंकों का होता, 5 अंकों का होता है, ठीक है, तो ये प्रोसेस, जैसे जो ये प्रोसेस तब तक चलाते रहना जब तक कि क्या ना आ जाए, 2 अंक ना आ जाए। जब 2 अंक आ जाएगा तो उसे 7 से डिविजिबल करना आसान होगा, क्योंकि 3 डिजिट या 4 डिजिट के अंक को 7 से डिविजिबल करना आसान नहीं होता। इसलिए जैसे भी यहां पर मान लीजिए 332 बचता है, 332 बचता है, फिर वही प्रोसेस करते रहना, डिजिट को डबल करना, बाकी से माइनस करना, तब तक करते रहना जब तक कि आंसर लास्ट में 2 अंक ना जाए। जब 2 अंक आ जाए उसे 7 से डिवाइड करके चेक कर लेना, अगर डिवाइड होगा तो 7 से नंबर पूरा पूरा डिविजिबल होगा, नहीं होगा तो 7 से डिविजिबल नहीं है। आई होप आपने हमने ये 7 और 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो अच्छे से समझा होगा। अगले वीडियो में हम लोग जो है 8, 9 और 10 इनकी डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।